हेलो दोस्तों, तो मैं आज शेयर करने वाला हूं आपसे कुछ ऐसी तीन एक्सरसाइज जो आपकी बाइक के इंजन की लाइफ को डबल कर सकती हैं, बढ़ा सकती है। नॉट इवन बाइक, आपके पास कोई भी व्हीकल हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, आपको ये हेल्प करेंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है, जब भी आप इग्निशन ऑन करते हैं ना, तो आपको एक्सेलरेट नहीं करना है, आपको नॉर्मल आरपीएम पे ही उसको रहने देना है ताकि वो खुद को वार्म अप कर ले, जो इंजन ऑयल है वो पिस्टन में और पूरे इंजन में सही से फ्लो होने लग जाए और बाइक पूरी तरीके से वार्म अप हो जाए, उसके बाद ही आप रेव करें। तो आपको पहले रेव नहीं करना है। और सेकंड जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है एयर प्रेशर चेक। तो आपको टायर का एयर प्रेशर हमेशा चेक करना है जब भी आप जा रहे हैं, और आपको देखना है कि एयर प्रेशर कम तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो आप जैसे देख रहे होंगे, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इतना परसेंट जो है बाइक का, जो टायर का, वो रोड पे टच हो रहा था, जिसकी वजह से इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेन आता है। ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो बाइक को ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है और आपका एवरेज कम आता है। और दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको अभी सुबह एयर प्रेशर चेक किया था। के बाद इतना परसेंट ही सिर्फ रोड पे टच हो रहा है, जिसकी वजह से इंजन पे कम लोड आता है और आपका एवरेज भी अच्छा आता है। तो दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या चेक करना है कि आपका जो चेन है और चेन स्प्रॉकेट है, ये मिट्टी इसमें ना हो, डस्ट ना हो ज़्यादा, और ये गंदा ना हो। अगर ये क्लीन है और ल्यूब है अच्छी तरीके से, तो आपके इंजन पे कम लोड आएगा और जिसकी वजह से आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी। तो आपको ये भी चेक करना है कि जो चेन है वो सही तरीके से ल्यूब है, ज़्यादा गंदी तो नहीं है। अगर गंदी है तो उसको साफ़ करें और उसको ल्यूब करें। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो स्क्रॉल अप कर देना। दोस्तों, ये थी कुछ अमेजिंग थ्री एक्सरसाइजेस फॉर द बाइक्स और व्हीकल्स। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।